भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में और सीएसपी निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली प्रभारी शिव सिंह यादव और उनकी टीम ने 31 मार्च को मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए थे। उस आरोपी ने पूछताछ करने पर बताया था कि खरगोन से कुछ व्यक्ति अवैध हथियार लेकर भिंड में सप्लाई करने के लिए आते हैं। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि खंडवा खरगोन के दो व्यक्ति अवैध हथियार लेकर भिंड नगर पालिका के पास बेचने के लिए खड़े हैं। उस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा टीम रवाना की गई। टीम के द्वारा दो व्यक्ति पकड़े गए, जिनके कब्जे से 5 पिस्टल, 5 मैगजीन, 3 जिंदा राउंड, 32 बोर जब्त किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसको जब रिमांड पे लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो सूचना दी गई उसी के तारतम्य में हम लोग को ये जानकारी मिली कि दो लोग जो हैं वो खरगोन से आकर यहाँ पर अवैध पिस्टल जो है वो सप्लाई करने के पदार्थ में यहाँ पर घूम रहे हैं। तो जो जानकारी मिली उसको डेवलप किया और उसके आधार पर जो संदिग्ध दो व्यक्ति थे उनको राउंड अप किया और उनकी तलाशी ली गई। उनके पास से पुलिस को करीब 5 पिस्टल, 5 मैगजीन और 3 जिंदा राउंड 32 बोर उनके पास से पुलिस को प्राप्त हुए। इसमें दोनों आरोपियों को 25, 27 धाराओं के तहत पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है और जिसको वो सप्लाई करने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे उसके विषय में पूछताछ कर रहे हैं और पूर्व में उनके द्वारा कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए गए ये जानकारी भी प्राप्त जुटाकर जो भी इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।